हेलो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका चैनल में फिर से दोबारा आपको स्वागत है ना। आई एम लालबाग थापा फ्रॉम गल्फ कंट्रीज, ठीक। एंड मैं अपना चैनल में आज कुछ जो नॉर्मल चीज़ें या तो सिंपल चीज़ें या तो बेसिकली चीज़ें आपको साथ मैं शेयर करता हूँ, है ना। जो भी चीज़ें मैं आप लोग साथ इस वीडियो के जरिए शेयर करता हूँ। चलिए, आज का जो टॉपिक है फूड सेफ फूड स्टोरेज, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेफ फूड स्टोरेज, अभी हम लोग लिखा सेफ फूड स्टोरेज। सेफ फूड स्टोरेज का कुछ मैं आपको बताऊंगा, मैंने किस तरह से आप लोग घर में रखते हैं, या तो कैटरिंग कंपनी कैसे रहता है, एंड द होटल इंडस्ट्री में कैसे रहते हैं, एंड फूड इंडस्ट्री में कैसे रहता है, इसके साथ हम डिस्कस करेंगे। जो सेफ जो फूड है आपको जो फूड है आप खाकर, है ना, खाकर आप बीमारी ना हो, है ना, फूड पॉइजन ना हो, ये क्या आपको, दिस इज द सेफ फूड। तो क्या सेफ फूड है? स्टोरेज बोल रहा है, स्टोरेज मीन्स आप जिधर रखते हैं, है ना, चाहे ड्राई फूड हो, चाहे वेजिटेबल हो, चाहे नॉन वेज हो, किस तरह से रखते हैं, है ना। ये चीज आपको सीखना या जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको कौन सा टेम्परेचर रखना है ना, और ड्राई फ्रूट किधर रखना है, वेजिटेबल किधर रखना है ना, और सेपरेट किस तरह से रखना है, है ना, ये क्या क्रॉस कन्जम्पशन ना हो, है ना। आपको क्या है कि इस तरह से आपको सेफ फूड मिलता है। जैसे आपको देखिए, वेजिटेबल बात करें, चलिए वेजिटेबल का बात करें, एक में आपको वेजिटेबल क्या है, सब्जी है। बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में, बड़ा बड़ा कैटरिंग इंडस्ट्री में या तो फूड इंडस्ट्री में, ओके, वेजिटेबल में क्या है कि वेजिटेबल आपको एवरीथिंग कलर कोड मैच करके आपको सेपरेट रखना बहुत जरूरी होता है। क्या है कि आपको सेपरेट रखना बहुत जरूरी होता है, जैसे पार्ट टू पार्ट सेपरेट रखना, जैसे कि कैबेज, कॉलीफ्लावर, कैप्सिकम एक संग डालना नहीं है, है ना, उसको सेपरेट सेपरेट। अभी किधर रखना है इसको, फ्रिज में रहेगा तो खराब हो जाएगा भाई, फ्रोजन फूड नहीं है, फ्रिज में रहेगा खराब हो जाएगा। इसको क्या है आपको, अभी टेम्परेचर इस चिलर में रखना है, कौन सा चिलर, चिलर में इसका टेम्परेचर कितना है, 1 to 5, 0 to 5, 0 to 4, 0 to 4, अपना अपना जितने देखिए, अपना अपना सिस्टम, अपना अपना उसमें से आपको डिफरेंट रहता है ना, 0 to 4 यह टेम्परेचर रखना है, ठीक है। इस चिलर में आपको सेटिंग कर रखना है, जैसे फ्रिज में रखते हैं, है ना, ये क्या आपको 0 to 4 रखना है, सेफ फूड है ये। आपको क्या सिस्टम बाय सिस्टम क्लीन रैप करके, या तो नीट एंड उच्च आप जिधर रखते हैं, वो चिलर का जो चिलर में रखते हैं, वो चिलर क्या नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एवरीडे क्लीनिंग, है ना, एवरीडे क्लीनिंग। उसके बाद आपको रैपिंग, डेट, एक्सपायरी डेट, फ्रिज में एवरीडे चेक करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आज कल रखे या इसका भी वैलिड रहता है, एक दिन दो दिन उसको क्या है स्पॉलिश हो जाता है, स्पॉलिश होने के बाद उसका थ्रू आउट गारबेज में आपको थ्रो करना पड़ता है, क्या थ्रू आउट है उसको, ड्राई स्टोर है, अभी मैं बात करता हूँ ड्राई स्टोर में क्या है कि देखिए, ड्राई स्टोर क्या है कि जैसे कि बकेट रहता है, स्टोर रहता है, जैसे आटा रखने का, शुगर रखने का, या तो चिली डस्ट रखने का, उसमें क्या है बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में बकेट रहता है। और देखिए, इस बकेट में हाथ से तो नहीं निकालते, स्पून से निकालने में क्या होता है कि आपको कि वो जो स्पून है आपको इसमें क्लिप रहता है। मैं बहुत सा वीडियो में आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि वो जो भीड़ है, वो बकेट है, बकेट में आपको क्या है
जो यूज करने के बाद आप जैसे एक बॉक मगट चीनी लिए है ना, आप एक मगट चीनी लिए, चीनी लेने के बाद क्या कि आपको उसी में आप डाल दें है ना, डाल, दिस इज रॉन्ग, क्या है आपको, दिस इज रॉन्ग, आपको क्या उसको किधर रखना है, उसको ले जाकर आपको उस जो हैंडल है क्लिप है, ये क्लिप है, क्लिप में डालकर रखना है, दिस इज द मेन सिस्टम, दिस इज द सेफ सिस्टम है, तो इस तरह से आपको रखना है। आप किधर भी काम करिए, घर में काम करिए, देखिए ना घर में काम करते, मेरा घर में देखिए, मेरा घर में भी देखिए, काम से इतना जो वो मेरा घर का जो किचन है, किचन में जाइए, किचन में देखिए वो एक एक स्पून डाल के रखा है ना, हल्दी चिल्ली कोरिएंडर लीव्स, उसका जो भी होल मसाला है उसका उस मंदिर में क्या है, एक एक स्पून लगा रहता है, सेम सिस्टम है आउट ऑफ कंट्री में, या बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में ऑफ सेम इसी सिस्टम में रहता है, बट इसमें बड़ा रहता है, सिस्टमेटिक चेंज रहता है, ठीक है। आपके फिर इस बास्केट का शुगर का बास्केट है, इसमें आपको चिल्ली में डालते हैं, क्रॉस कंडमनेशन होता है, क्रॉस कंडमनेशन फूड पॉइजन, पेट खराब हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है आपको कुछ नहीं। और इसका जो टेम्परेचर है आपको कितना होना, 22 डिग्री होना नॉर्मल, जो आपके घर का जो टेम्परेचर रूम है नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। अभी बात करते फिर नॉन वेज 3 नंबर में आपको क्या है, नॉन वेज क्या है कि आपको चिकन रहता है ना, चिकन रहता है, उसके बाद बीफ रहता है, उसके बाद क्या है आपको मटन रहता है ना, मटन रहता है, इसके क्या चिकन मटन बीफ और मटन एक संग नहीं करना है ना, चिकन को मैक्सिमम ऊपर रखते हैं, क्या करते हैं सब ऊपर रखते हैं, उसके बाद आता है चिकन का लाइन, चिकन को ऊपर रखते हैं, उसके बाद आपको मटन रखते हैं, उसके बाद बीफ रखते हैं, इस तरह से आउट ऑफ कंट्री में उसका डिजाइन किया रहता है ना, रैक रहता है, चिल्डर रहता है, फ्रिज रहता है, जैसे किधर रखते हैं अलग अलग रखना है, चिल्डर अलग है, फ्रिज अलग है, उसके बाद एक संग रखेंगे क्या है, वो क्रॉस कंडमनेशन हो जाता है, अब जो बीफ नहीं खाना, बीफ नहीं था चिकन में क्रॉस कंडमनेशन वाह नहीं खाएगा, तो इसीलिए क्या है कि कंपनी आपको सेपरेट कर रखते हैं, जो चिकन खाता है बीफ नहीं खाता, बीफ खाता है चिकन नहीं खाता, चिकन खाता तो मटन नहीं खाता है, इस तरह से आपको सेपरेट रखना है। इसका भी सेम जो टेम्परेचर है, इसका चिल्लर का टेम्परेचर में आपको रखना चाहिए, चिल्लर का टेम्परेचर में आपको रखना चाहिए, यही है आपको सेफ फूड स्टोरेज एंड नीड एंड क्लीन मेंटेन, हाइजीन मेंटेन कर रखना आपको बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी है, ठीक है। बस यही थोड़ा सा वीडियो क्लिप था आप लोग के लिए, तभी मेरा नॉलेज है आप लोग साथ में इस तरह से शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो फिर मुलाकात करता हूँ आप लोग।